हमारे मोहल्ले में मेजब से आगे कोई सफाई नहीं होने देता। अब ये राजनीति अपनी सफाई के ऊपर दिखा रहे हैं। एक हुक्का रखा है सामने, ये हुक्का पांच जो पंच बैठे हैं उनके बीच में होता है, इसमें बातें होती हैं और हर चीज की हर तरह की इसमें बातें होती हैं। आप शमशी साहब हैं ना जी? लग रहा है रिवाड़ी दूर से कितना अच्छा लगता है और अंदर की हालात आप देख रहे हैं, गंदगी भरी रहती है। तरक्की भिवाड़ी की केवल नाम के तौर पे हो रही है और महिलाओं के लिए तो कोई व्यवस्था है ही नहीं। खुद जागरूक होंगे तभी सफाई हो पाएगी। मेन चीज तो है कि हम कोऑपरेट करें तब न बात बने। मैं विनय कुमार आज पहुंच चुका हूं वार्ड नंबर 33 में। यहां हमारी चौपाल सज चुकी है, लेकिन पेश है वार्ड नंबर 33 की एक रिपोर्ट। तो आप देख रहे हैं कि मैं वार्ड नंबर 33 में हूँ। ये यहाँ से पार्षद प्रवीण तंवर पार्षद हैं और पीछे देख सकते हैं गंदगी का आलम। यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। बाढ़ वाले लोगों का कहना है कि पूरी तरह से रास्ता बंद पड़ा है कीचड़ की वजह से। और अब मैं कैमरामैन साथी से कहूँगा थोड़ा सा कैमरा घुमाएं, इधर दिखाएं। ये यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है कि काम हुआ है, पहले वार्ड नंबर 24 था ये। और ये बोर्ड दिखाएं, तो ये बोर्ड लगा हुआ है, पार्षद ने बोर्ड लगाया हुआ है, यहाँ पर कार्य हुआ है। ये रायभान के घर से वाल्मीकि बस्ती, इधर देख सकते हैं सीसी रोड का काम तो हुआ है, लेकिन उस सीसी रोड पे भी गंदगी आप देख सकते हैं, पूरी तरह से पॉलिथीन और कूड़ा पड़ा हुआ है, जिससे साफ मालूम पड़ता है कि यहाँ पर अभी तक कोई सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं है। क्या दिक्कत है आपके वार्ड में? सारी तो गंदगी हो रही है, ना रोड बन रहा है, ना लैट्रिन बाथरूम हमारे पास, ना कुछ है। कितने दिन हो गए, कितने साल से ये गंदगी? भाई 20-25 साल हो गई। किसी पार्षद ने अब तक, इससे पहले कौन पार्षद था? यही बन रहा है हमारा तो, यही थे पहले। हाँ, तो आपने कभी इनसे क्या कहा? नहीं कही ना, तो ये कह रहे हैं कि भाई जब इसका फैसला हो जाएगा, जब बनेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पूरी एक परिवार यहाँ पर है, कई परिवार रह रहे हैं यहाँ पर, पूरा गंदगी में रह रहे हैं, इनका जीना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर गंदगी से तमाम तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं, लोगों में संक्रमण फैल रहा है, बच्चे परेशान हैं, स्कूल के जाने आने का रास्ता नहीं है, पूरी तरह से रास्ता चौक हो चुका है गंदगी से। वार्ड नंबर 33 में मैं घुस चुका हूँ और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मेरे साथ और दो बच्चे मेरे साथ बैठ चुके हैं बाइक पर, और ये मुझे पूरा वार्ड घुमाएंगे और यहाँ की समस्याएं भी बताएंगे। आप देख रहे हैं कि मेरे साथ ये एक बच्चा आया हुआ था, इसने मुझे बताया कि यहाँ पर कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान का जब मैंने हालात देखे यहाँ पर आके, तो आप देख सकते हैं, कैमरामैन साथी से कहूँगा थोड़ा सा कैमरा घुमाएं, और यहाँ की जो गंदगी है, कब्रिस्तान पूरी तरह से गंदगी में तब्दील है। और ये भिवाड़ी का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर कब्रिस्तान के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कब्रिस्तान पर सफाई व्यवस्था की कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई रेलिंग नहीं है, कोई किसी तरह की अभी तक सफाई नहीं की गई है। सालों से ऐसा ही पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई डंपिंग यार्ड बना दिया हो, कूड़े का कचरा फेंकने की कोई एक जगह बना दी गई हो। और यहाँ पर सामने कुछ लोग रहते हैं, घर है, कैमरामैन साथी से इधर घुमाने के लिए मैं कहूँगा दिखाएं। मैं इस परिवार के सदस्यों से पूछता हूँ कि उनके सामने ये कब्रिस्तान है, कितने सालों से यहाँ कोई सफाई नहीं हुई है और किस तरह की दिक्कतें आती हैं। ये सामने जो कब्रिस्तान है इसके बारे में क्या कहेंगे, कितने दिन से यहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ? बहुत साल हो गई इसको, तो कूड़ा जब भी उठा के ले जाते हैं तो जब ये पटक पटक के चले जाते हैं, बहुत बार तो मना कर चुका है। रविंदर, ये जो कब्रिस्तान है इससे क्या दिक्कत होती है आपको, यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, ये सब मच्छर वच्छर आते हैं और ये कचरा जा जाए, यहाँ पे बीमारी फैला जाते हैं। तो ये कब्रिस्तान के बाहर एक पाइप जा रही है, अब जानना चाहेंगे कि हम देखेंगे ये पाइप किस चीज़ की है। जो पाइप आ रही है, पानी आ रहा है, ये शुद्ध पानी है? शुद्ध पानी, बढ़िया पानी है। कैसे कह सकते हैं आप भाई? पीवा जब तो कही रहा है। कहाँ से आ रहा है ये? ये यहाँ पे आ रहा है, बोरी के पास से आ रहा है। और ये जो कब्रिस्तान पीछे पड़ा है, गंदगी पड़ा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये दिक्कत नहीं होती यहाँ पे बाढ़ वालों को? अब होए तो है, अब कहने कहाँ, बताओ ये बताओ। पार्षद से नहीं कहा आपने? पार्षद ने तो सफाई करवाया, हम ही कर दा फिर घड़े सफाई, तब पार्षद की करवावे तो है, अभी वही ने तो नाली करवाई। अच्छा, तो मैं फिलहाल वार्ड नंबर 33 में ही हूँ अभी, और 33 वार्ड नंबर में यहाँ पर चौपाल पर टीकाकरण चल रहा है, आंगनबाड़ी केंद्र है ये, आंगनबाड़ी केंद्र पर टीकाकरण जारी है। बहुत सारी महिलाएं अपने बच्चों को लेकर आई हैं यहाँ पर, और मैं जानना चाहूँगा यहाँ पर जो नर्सेस हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। भैया अपना नाम क्या है? मेरा नाम अल्फोंस अम्मा। जी, आप
मैं सब सेंटर भिवाड़ी की तरफ से और यहाँ तो आंगनवाड़ी केंद्र है। आंगनवाड़ी केंद्र में टीकाकरण 3 आशाओं को टीका लगा रखे हैं यहाँ। यहाँ अभी तक तो मेरा तो आ गया, सुबह 9 बजे से लग रहे हैं, 42 टीका लग चुका है। कब कब लगता है ये? क्या ये ना हर महीने में पहली मंगलवार को लगता है, हर महीने में पहली मंगलवार को। कहना है कि ये हर मंगलवार को यहाँ पर कैंप लगता है, बहुत सारी महिलाएं आती हैं और बच्चों को टीकाकरण कराती हैं और बहुत ज़रूरी भी है, केंद्र सरकार की योजना है ये। वार्ड नंबर 33 का एक और नज़ारा है यहाँ पर, देख के मैं खड़ा हूँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पर सीसी सड़क है, उसके आगे पूरी तरह से रास्ता बंद है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये सीसी रोड बनी थी, लेकिन आगे भी बनी थी, लेकिन उसके बाद काम बंद कर दिया गया और रास्ता पूरा तरह गंदगी से चौक है, नालियाँ भी नहीं हैं। नगर पालिका वाले आते हैं और कूड़ा निकालते हैं, सड़क पर डाल देते हैं। क्या नाम है जी? कालू राम है साहब जी। यहाँ पर जो सामने ये फैला हुआ है गंदगी पूरी तरह से, क्या कहेंगे, कितने दिन हो गए इसको? इसको साहब कई साल हो गए, यहाँ रास्ता निकला ही नहीं, रास्ता ही निकला। हाँ जी। तो ये जो नालियाँ भी नहीं बनी, कुछ भी नहीं बनी, यहाँ रोक दिया रास्ता। अच्छा, तो ये तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। हाँ जी, बहुत परेशान दुखी हम। किस तरह से फिर यहाँ पे आपको बच्चे भी हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं बहुत ज़्यादा, ये कमरान में मच्छर घुसा पड़ा सब में, बहुत परेशान हो रहा है, यहाँ डटना हराम हो रहा है। अच्छा, अब क्या करेंगे आप आगे? हम तो दुखिया साहब, रास्ता खुलना चाहिए, हम तो ये चाहें। क्या नाम है आपका? जयवीर। जयवीर, आपके बाद में इतनी बड़ी समस्या है, आप युवा हैं, आपने इस तरह का कभी मुद्दा नहीं उठाया? जी खूब मुद्दा उठाया, काफ़ी खूब बोल दिया, सबको बोल दिया, पार्षद को बोल दिया, कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। आपको पता है प्रधानमंत्री की जो मिशन है स्वच्छ भारत, वो पूरी जोर शोर से चल रहा है और भिवाड़ी जिसको गेटवे ऑफ राजस्थान कहा जाता है उसमें ये हालात है, क्या करें सर, खुद परेशान है, खूब बोल दिया सबको बोल दिया, कोई कुछ सुनवाई नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो दलदल है कीचड़ का, पूरी तरह से कैमरा मैन साथी से कहूँगा थोड़ा कैमरा घुमाएँ और यहाँ दिखाएँ यहाँ के हालात जो बहुत ही चिंताजनक है। पूरी तरह से अटा पड़ा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा गंदगी का तालाब बन चुका है ये वार्ड, मच्छरों से बीमारियां फैल रही हैं तरह तरह की, संक्रमण फैल रहा है, बच्चों में बीमारी खतरा बना हुआ पूरी तरह से। लोगों का कहना है कि पिछली बार भी यहीं से जो पार्षद हैं वो स्थानीय पार्षद यहाँ से पार्षद थे और इस बार भी पार्षद हैं, उनसे शिकायत की है। भिवाड़ी अमृत योजना में शामिल हो चुकी है, बजट भी आ चुका है, नगर परिषद को पैसा मिल चुका है, 15 करोड़ की किस्त आ चुकी है भिवाड़ी के लिए, उसके बावजूद बाड़ों में ये हाल है, नगर परिषद ने अभी तक झांक के नहीं देखा है। पूरी तरह से भिवाड़ी में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, लिहाजा बजट बहुत ज़्यादा आता है, बावजूद उसके हालात चिंताजनक बने हुए हैं। वार्ड नंबर 33 में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पार्षद द्वारा एक बालिका विद्यालय बनवाया गया है जिसका नाम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है, पीछे बोर्ड लगा हुआ है आप देख सकते हैं, मैं आगे बढ़ूंगा। लड़कियां अक्सर शिक्षा को लेकर थोड़ा सा खौफ जगह रहती हैं, बाहर जा नहीं सकती हैं, तो भिवाड़ी में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि किस तरह से लड़कियों को मोटिवेट किया जाए शिक्षा के प्रति, उस लिहाज को देखते हुए पार्षद ने एक अच्छा काम किया है कह सकते हैं बाढ़ में, क्योंकि लड़कों के लिए तो खासकर बाहर जाना हो सकता है लेकिन लड़कियां नहीं जा पाती हैं, तो उसके लिए ये नई बिल्डिंग तैयार हुई है अभी बनके और अभी इसको चालू नहीं किया गया है, बहुत सारे काम होना बाकी हैं इसमें देख सकते हैं आप, और चूंकि अभी साफ़ सफाई भी नहीं हुई है इसकी, लेकिन बिल्डिंग बनके तैयार हो चुकी है, गेट पर ताला लगा हुआ है, कुछ दिन में ही उम्मीद है कि ये स्कूल चालू हो जाएगा और यहाँ की शिक्षा को लड़कियों को अग्रसरी बनाने के लिए एक अच्छा ये प्लेटफॉर्म है पार्षद की, ये अच्छी पहल कह सकते हैं हम इसको। तो वार्ड नंबर 33 में हमारी ये चौपाल सज चुकी है, काफ़ी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, यहाँ के स्थानीय पार्षद प्रवीण तंवर भी हमारे साथ हैं, तो आज हम बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे। पूरा नाम बताइए अपना। पार्षद प्रवीण तंवर जी, वार्ड नंबर 33 जी। पार्षद जी, आज ये हमारी जो चौपाल सजी है यहाँ पर, आप बताएंगे कि हमें यहाँ पर जहाँ आप बैठे हैं इस एरिया में कितने लोग रहते हैं? इस एरिया में जहाँ ये अपना सेक्टर 3 है यहाँ लगभग 700 लोग रहते हैं। 700 लोग रहते हैं, तो पूरे वार्ड में आपके में कितने लोग हैं? वार्ड में तो टोटल जनसंख्या 6000 के लगभग है। 6000 लोगों में
कितने लोग ऐसे हैं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, पानी, शिक्षा? नहीं, सबके लिए ही है, शिक्षा भी है, सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, पानी सबके लिए ही है। पानी अब आप वार्ड में बैठे लोग, इनसे पता करो जी। भाई अभी 3-4 ट्यूबवेल लगवाए हमने नए। इनका कहना है कि वार्ड में सारी मूलभूत सुविधाएं हैं, लेकिन हम लोगों से भी जानेंगे जी। क्या नाम है पंडित जी? शंभू प्रसाद जी। शंभू प्रसाद जी, आप ही रहते हैं? हाँ। तो क्या लगता है आपको, नगर परिषद का जो काम होना चाहिए वो हो रहा है प्रॉपर तरीके से? हाँ हाँ हाँ। क्या क्या हो रहा है? सारे काम जो भी होता है वो सही होता है, प्रॉपर तरीके से साफ सफाई। क्या क्या समस्या और आपको लगती हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो और होनी चाहिए, और अच्छी होनी चाहिए? होनी तो चाहिए। क्या क्या? जैसे कि पानी को सुविधा होना चाहिए, और लेटरिन बाथरूम का सुविधा होना चाहिए, सर सफाई सही ढंग से होना चाहिए। अभी 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 कैसी सफाई हो रही है? अभी तो ठीक हो रहा है, धीरे धीरे सब हो रहा है अभी। अच्छा, धीरे धीरे हो रहा है। हाँ ठीक है, इनका कहना है कि धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन हो रहा है जी। पंडित जी जी, सबसे पहली चीज़ तो हमारे इसमें लाइट पानी 24 घंटे है, और शिक्षा के लिए स्कूल है, तो मूलभूत सुविधा में तो कोई कमी है नहीं फिलहाल में तो। अब यूँ तो देखो, थोड़ी बहुत कमियां जो होती हैं वो पब्लिक कोई बताता है कमी है, वरना हमारी नज़रों में तो कोई कमी दिख नहीं है, क्योंकि साफ़ स्वच्छता सफाई है, पानी है, टाइम टू टाइम पानी आ रहा है, लाइट है, कभी कट नहीं है कोई, बाई चांस 2-4 मिनट का अगर कहीं फॉल्ट हो तो बात अलग है, वरना ऐसी कोई दिक्कत नहीं। स्वच्छता की अगर हम बात करें तो एक मिशन है प्रधानमंत्री का, स्वच्छ भारत का एक सपना है। हाँ, क्या लगता है आपको कि भिवाड़ी? देखो, स्वच्छ हमारे सेक्टर में तो हम जहाँ हमारा वार्ड है वहाँ तक तो पूरी सफाई की व्यवस्था है। जैसे ही मान लीजिए हमें नजर आती है, हमारे कहने से नहीं होते, हम पार्षद जी को बताते, तुरंत सफाई होती है, तो इसमें तो कोई पार्षद जी सफाई नहीं करेंगे? नहीं, सफाई तो नहीं करेंगे, लेकिन नगर परिषद में तो देंगे ना, नगर परिषद में तो कहेंगे ही। वार्ड के लोग कितने जिम्मेदार हैं इसके लिए? वार्ड के लोग 90% तो मान के चलो आप, जो कि जिम्मेदारी निभा रहे हैं अपनी। 10% तो देखो सब जगह होते ही है, जो थोड़ा बहुत तो लापरवाही भी बरतते हैं लोग, तो हमारी कमियां भी होती हैं कुछ। सभी चीजें पार्षद के ऊपर थोड़ी थोपी जाएंगी भाई। सफाई है, जैसे मान ले हम ही पॉलीथीन फेंक रहे हैं तो उसको पार्षद ही थोड़ी उठाएंगे। आपने कभी ऐसा काम किया? नहीं, मैं कभी नहीं करता। मैं तो और लोगों को बोलता हूँ, भाई डस्टबिन रखवा रखी है हमारे पार्षद ने जगह जगह, कचरा उनमें डालो, तो मैं तो टोकता हूँ, यहाँ बैठा रहता हूँ तो भाई यहाँ क्यों डाल रहे हो, उसमें डालो। जी मैंने देखा है भिवाड़ी में बहुत गंदगी है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, गेटवे ऑफ राजस्थान कहा जाता है इसे, लेकिन ज़मीनी जो हालात हैं वो बिल्कुल बदले हुए हैं। क्या गंदगी तो है ही जी, लेकिन अभी साफ़ सफाई हो रही है, काफ़ी हो रही है, लेटरिन बाथरूम भी बनवाए गए हैं, और सफाई भी चल रही है, रोडों पर भी सफाई चल रही है, गर्ल्सों का जो स्कूल है वो चालू होने वाला, सुविधा तो हो रही है, धीरे धीरे कर रहे हैं, व्यवस्था सही हो रही है। मतलब कितनी क्या क्या बनवाया हुआ अभी? अभी अभी तो पार्षद जी की तरफ से एक तो लाइटें लगवाई गई हैं, पार्क में व्यवस्था करी गई है, कई बार सफाई भी करवाई है, और लैट्रिन बाथरूम बनवाए हैं स्वच्छता के लिए, और वो डस्टबिन रखवाएं 2-3 जगह, जो पब्लिक सबसे बोला जाता है कि भाई कूड़ा कचरा जो अपने घर का निकलता है उसमें जाके डस्टबिन में डालें, साफ रखें, साफ सुथरा रखें, और काफ़ी लोगों ने इसके बारे में सोचा भी है, सफाई कर भी रहे हैं, और जो काफ़ी स्वच्छता की तरफ ध्यान है लोगों का। जी आपका नाम क्या है? प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार जी, इसी वार्ड में रहते हैं आप? इसी वार्ड में रहते हैं। इस वार्ड में आपको क्या लगता है कि वार्ड के लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई मतलब ऐसी बिल्कुल कोई समस्या नहीं है? ऐसी कोई समस्या नहीं है, है? बिजली पर, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे, 24 घंटे लाइट रहा, कभी कट नहीं होता। अच्छा। और पानी भी 24 घंटे चलता रहे पानी, और ऐसी कोई अन्य वार्डों में अन्य वार्डों से सबसे ज्यादा साफ सफाई रहती है, बिजली पानी की व्यवस्था अच्छी रहती है, बस यही है, और लैट्रिन वैट्रिन भी सभी बनवाई थी पार्षद सामने। अच्छा। और नालियों की भी 8वें दिन साफ सफाई होती रहती है सेक्टर में। कल हम गए थे तो उधर बहुत सारी गंदगी देखी थी हमने। नहीं उधर होगी, लेकिन यू आई टी सेक्टर 3 में इधर रोड रहा, नहीं हम पूरे वार्ड की बात कर रहे हैं, इधर तो सफाई होती रहती है अपनी तरफ तो, का तो सब पता। अच्छा। हाँ। नहीं यहाँ तो सफाई हमें भी दिख रही है। हाँ। लेकिन अगर हम अंदर की बात करें गांव की,
नहीं गांव का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन गांव में भी होती रहती है, नगर परिषद के वाले जो हैं वो करते रहते हैं साफ सफाई। अच्छा। पार्षद साहब खुद जब भी बोलते हैं तभी करवाते हैं। और क्या लगता है आपको, और कुछ बेहतर हो सकता है आपकी नज़र में, ऐसे कोई चीज़ छूट रही है जो अभी तक ना? ऐसी तो कोई चीज़ छूट नहीं रही। सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम आते हैं यहाँ पर? सुरक्षा तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, नहीं भिवाड़ी में आए दिन चोरियाँ हो रही हैं? नहीं भिवाड़ी में होती रहो, यहाँ सेक्टर में तो सही है। आप सुरक्षित महसूस करते हैं यहाँ? बिल्कुल सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो पुलिस वाले भी पिट जा रहे हैं? ना ना, यहाँ तो पिटते नहीं, तीन सेक्टर में तो कोई है? तीन सेक्टर में कोई पुलिस वाला ऐसा पिटता नहीं है। इनका कहना है कि ये पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षित हैं और धीरे धीरे भी काम चल रहा है और आगे बढ़ेंगे और कुछ लोगों से जानेंगे। आपका गोती राम है जी? जी तो यहाँ पे कितने दिन से रह रहे हैं आप? जन्म यहीं को है जी। अच्छा, यहीं को? हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है जी, सड़क निकलवा दी, पानी करवा दियो, बिजली की कोई दिक्कत ना है, कहीं चीज की। और सड़क और निकलवा दी, नाला निकलवा दिया, पार्षद ने बढ़िया काम कर रहा है क्या साहब, बढ़िया काम कर रहा है, कोई कभी ना छोड़ी। क्या नाम है? भज्जू, भजन लाल कहते हैं, भज्जू कहते हैं, भज्जू। अच्छा, भजन लाल दो नाम बोल रहे हैं। ये पार्क में बहुत टूटी हुई है दीवार सी दिख रही है हमें, सब हमने दीवार में देखना टूटी सी कला के हमने बढ़िया हुआ, आज दिन तो तड़का ऊपर टूट गया है और सब काम बढ़िया है। अच्छा, हाँ, और क्या काम होने चाहिए? बस काम ये सब बढ़िया बढ़िया काम हो रहा है, सब बढ़िया काम हो रहा है, इस वक्त क्या होगा, पास लग रहा है बेचारा कहना पड़े। हाँ जी, हाँ जी, हम तो यही गाँव का ही है साहब। यहाँ का बासिंदा। इनका भी कहना है कि यहाँ पे बहुत साल से ज़्यादा इनका जन्म यहीं का है और ये बढ़िया काम हो रहा है भिवाड़ी में, पार्षद ने बहुत सहयोग किया है, लेकिन हम पार्षद से भी जानेंगे। जी पार्षद, अगर भिवाड़ी अंदर 33 वार्ड की अगर बात करें हम, तो गंदगी को लेके जो सपना है प्रधानमंत्री का, क्या लगता है आपको भिवाड़ी स्वच्छ हो पाएगी कभी? नहीं, अभी स्वच्छ तो नहीं है, प्रॉपर सफाई नहीं है। एक दो जगह आपने देखे होंगे, वो क्या है कि हमारे जैसे गांवों की ज़मीन है, उनका आपसी कुछ बंटवारा है, उसकी वजह से वो जो एक दो पॉइंट रुके पड़े हैं, खाली खेत पड़े हैं, तो अब खाली जगह देख के पब्लिक उसमें कुछ न कुछ डालती है। आपके घर के सामने बहुत गंदगी है? नहीं, वो हमारी 11 बीघा ज़मीन पड़ी है, अभी आपसी हमारा परिवार का बंटवारा नहीं हुआ है, वो बंटवारा जल्दी हो जाएगा तो उसमें साफ सफाई भी होगी, नाली भी बनेगी, सड़क भी बनेगी, सीवर लाइन भी डलेगी। पानी जो आता है पीने वाला आपके वार्ड में जी, क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल, आप देखो 2 ट्यूबवेल तो मैंने यहाँ सेक्टर 3 में लगवाए UIT से, बिल्कुल शुद्ध पानी है उनका। हमने वो TDS भी चेक करा रखा है, सबका प्रॉपर नॉर्मल TDS है, और जो अभी गांव में ट्यूबवेल चालू हुआ है उसका तो इससे भी बढ़िया पानी, उसका लगभग 60-70 TDS है, बिल्कुल शुद्ध पानी है, पीने में की कोई समस्या नहीं। लाइन जो है आपके? नहीं, लाइन है अभी, पूरी लाइन अभी नहीं डल पाई है। जो होना चाहिए अंडरग्राउंड वो? नहीं, अंडरग्राउंड तो देखो PhD 2012 में मान्य हमारे मंत्री जी दुर्रू मियाँ जी की, उससे और हमने प्रयास किए तो भिवाड़ी में PhD का ऑफिस खुल गया। अब वो 47 करोड़ रुपए नवाब साहब ने दिए थे पूरी नगर परिषद के लिए कि भाई पानी की प्रॉपर व्यवस्था हो, क्यों हमारे यहाँ इंडस्ट्री एरिया की वजह से ज़्यादातर क्षेत्र का पानी खराब हो गया, तो कहीं भी जहाँ शुद्ध पानी है वहाँ से ल्या के गाँव में टंकियाँ बनाएं, नई सिस्टम से लाइन डलें प्रॉपरली, जैसा कि सेक्टरों में हो रहा है सप्लाई, तो उस तरह की सप्लाई हो, उसके लिए हमारे प्रयास हैं और बहुत जल्द ये योजना कामयाब होगी। कुछ आपके सामने जो प्लॉट था एक, वहाँ पानी भरा रहता था, हमने सुना था कि आपने बहुत प्रयास किए थे उसके लिए, एक बहुत लड़ाई लड़ी और उसको फिर वहाँ से साफ सफाई कराई पानी से, मतलब जो अंदर का जो पानी वाटर लेवल था वो भी खराब हो रहा था। ये जो प्लॉट है सामने UIT का प्लॉट है और इसमें कम से कम 15 साल से पानी भर रही है रिक को, UIT भी भर देती क्यों, आगे हरियाणा पड़ता है हमारे यहाँ, जो भी पानी अगर उधर ज़्यादा जाए तो वहाँ से हरियाणा सरकार उसको रोक लगाती है, तो यहाँ जहाँ भी जितनी भी खाली जगह है हमारे यहाँ उनमें रिक को UIT मिल के और उस पानी को डैम्प करती है। अच्छा।
लेकिन हमने अब लड़ाई लड़के बिल्कुल वो पानी हमारे वार्ड में हमारे क्षेत्र में एक भी जगह आपको इंडस्ट्री का गंदा पानी नहीं मिलेगा। जो सीवरेज का पानी है, सीवरेज का घरों का जो पानी निकलता है, तो लगता है कि जो बाढ़ के लोग हैं हरजन बस्ती में, वो खुद जिम्मेदार होने चाहिए इसके लिए थोड़े बहुत। नहीं देखो, अभी गांव में जो आप कह रहे हो सीवर लाइन तो डली है, 2012 में ही ये माननीय मंत्री जी की उससे भंवर साहब की उससे सीवर लाइन तो गांव में डली है, लेकिन प्रॉपरली अभी लाइन डली भी नहीं है पूरे गांव में, कुछ जगह रहेगी है। तो वहां भी अब सरकार ने अमृत योजना में नगर परिषद को पैसा दिया है, तो लाइनें टेंडर होंगे, काम चलेगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन गांव में अभी सीवर लाइन का चालू नहीं है। ये तो सिर्फ UIT सेक्टरों में ही सीवर लाइन चालू है और प्रॉपरली तरीके से चालू है। आप देख लो नालियां कई जगह सूखी पड़ी हैं। नहीं जी, विधायक जी कहते हैं कि भाई अमृत योजना से पैसा आएगा, तो आपको लगता है कि भिवाड़ी का उससे कायाकल्प हो पाएगा? अभी तक पैसा नहीं आया। नहीं देखो, पैसा पैसे की कोई कमी नहीं, हमारी सरकार में गहलोत सरकार में खूब पैसा आया है, खूब काम हुआ है। अभी ये BJP सरकार ने अभी अमृत योजना में जो पैसा दिया है, अभी तो प्रपोजल ही नहीं बढ़े, भी पहले तो प्रपोजल बढ़ेंगे अपने कहाँ कहाँ काम करना है, कहाँ कहाँ सीवर लाइन डलनी है, कहाँ कनेक्शन होने। खाली पैसे देने से ही कुछ नहीं होती, स्टाफ की कमी है नगर परिषद में। सबसे पहले तो स्टाफ की व्यवस्था करे सरकार, उसके बाद गाँव की सर्वे करे। भाई 19 गांव है, पहले 2-4-5 गांवों की सर्वे करें, जैसे पहले 5 गांव है, भिवाड़ी है, आलूपुर है, मिलकपुर है, खिजूरीवास है, नंगड़िया है, तो पहले इनमें लाइन डली है, तो इनकी प्रॉपरली कनेक्शन की व्यवस्था करें। और जो भी इनका अपना प्लांट है CATPT जो बना रखा है, वहां तक व्यवस्था करें उनको पानी ले जाने के लिए। तो जब भी अभी तो अमल में योजना आई नहीं है, अभी तो कागजों में ही है कि हल्ला हो रहा है। अभी योजना कागजों में ही है, अमल में नहीं है, ये और लोगों से जानते हैं कुछ जी। पंडित जी ये बताइए, जैसे भिवाड़ी को जहाँ होना चाहिए, आज से 20 साल पहले जहाँ भिवाड़ी था, ऐसा लगता है कहीं कहीं जगह जाने पे कि भिवाड़ी वहाँ का वही रुका हुआ है, जबकि यहाँ पे इतनी इंडस्ट्री है, इतने भारी लोग रहते हैं। देखो इसमें सबसे बड़ी चीज़, तो पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगा कि प्रशासन की कहीं ना कहीं ढीलापन जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए कहीं पे जैसे गंदगी है, कहीं पे पानी भरा हुआ है। अब यहाँ हमारे यहीं पे पानी भरता था, वो है ना हमारे पार्षद जी ने जो रोका है, नहीं पहले बरसात अगर हल्की सी बरसात हो जाती यहाँ पानी भरा रहता था, चलो अब वो नहीं भरता है। तो पहली चीज़ है कि जैसे CTPT जो सीवर लाइन अब डली है, ये बहुत लेट डली है, इसकी वजह से भी थोड़ी सी है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी जैसे कहीं कहीं सीवर लाइन है ही नहीं गाँव में, तो वहाँ तो पानी सीधा नाली में ही आता है, तो वो कहाँ जाएगा? अब नाली का ही प्रॉपर विकास नहीं है, क्योंकि जैसे जहाँ गांव में जो कि नालियाँ बननी चाहिए वो नहीं बन पाई हैं कहीं कहीं पे, क्योंकि आपसी विवाद है या कोई भी कारण रहा है। तो इस वजह से तो देखो गंदगी अभी थोड़ी बहुत है, एक साथ तो नहीं साफ हो पाई, लेकिन समय लगेगा। हाँ कोशिश कर रहे हैं जितनी हो रही है, कोशिश कर रहे हैं, समय लगेगा, कोशिश कर रहे हैं, इनका कहना है जी। ये बताइए हमें, जो बाढ़ के लोग उन लोगों ने कभी ऐसा फील किया कि यहाँ पर जो पानी और प्रदूषण है, प्रदूषण की समस्या बहुत गंभीर है भिवाड़ी में, उसके लिए कभी जाके शिकायत की इकट्ठे होके कहीं किसी सरकारी डिपार्टमेंट में? कभी नहीं, अभी ऐसा तो कुछ किया नहीं है। अगर तो कोई दिक्कत होती है तो पार्षद साहब को बोला जाता कि भाई ये दिक्कत है, लेकिन धुआं तो होता ही है, फैक्ट्रियों का पोल्यूशन का धुआं तो काफ़ी जो मतलब होता ही है, उसके लिए अभी कुछ हुआ नहीं। छोड़ दो पार्षद जी, नहीं अभी धुआं तो है ही है, फैक्ट्रियों का तो प्रदूषण है ही है, वो तो है ही, सुबह सुबह तो काफ़ी धुआं हो जाता। और नहीं तो कभी आप पॉल्यूशन विभाग नहीं बाढ़ के लोग? नहीं कभी नहीं गए, अभी तो कोई गया नहीं है अभी तक तो। अच्छा, और क्या दिक्कतें आती हैं यहाँ पर, क्या लगता है और क्या दिक्कतें हैं बाढ़ में? नहीं दिक्कतें तो कुछ नहीं है भाई, ये साफ़ सफाई तो चल ही रही है धीरे धीरे, अभी जैसे जैसे ज़रूरत है वैसे वैसे काम हो रहा। नहीं बाढ़ के लोग कहीं कहीं ज़मीन का विवाद है, जैसे सड़क निकलनी है और वहाँ ज़मीन का झंझट है, तो क्या लगता है कि ये समाधान होगा? वो जो रोडों पे यहाँ तो सेक्टरों में तो है नहीं, गांवों में कहीं होगा तो उसका हमें मालूम नहीं है। अच्छा, गांवों का पता नहीं, गांव में क्या अंदर विवाद चल रहा है, लेकिन जो यहाँ पे तो गांवों में कुछ समस्याएं ऐसी हैं जहाँ पे कहीं रोड बने हुए हैं, कहीं काम रुक गया है,
पिछले साल भी पार्षद जी ने ऐसा काम किया कि सीसी सड़क डलवाई, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी बीच में आ गई जिससे सड़क काम नहीं हो पाया पूरा। उन मुद्दों पर जानेंगे। आपके कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में हमने देखा कि आपके वार्ड में काम हुआ था और कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई कि काम रुक गया, सीसी सड़क हुई आधी रुक गई, और क्या लगता है आपको इस बार पूरी होंगी वो? नहीं बिल्कुल, हमारे वार्ड में क्या पूरे भिवाड़ी गांव में जहां भी कहीं अगर सीसी सड़क नहीं है तो हम उनको पूरा पूरा प्रयास करेंगे बनवाने का। एक दो विवाद के पॉइंट हैं जिन पर अपन बैठ के सबसे चर्चा करके उनको सुलझा के बहुत जल्दी सीसी सड़क बनवाएंगे, नाली बनवाएंगे। अभी पीछे देखो आप, ये जो स्कूल बनाया सेक्टर 3 में, हमारे भिवाड़ी गांव में अंदर स्कूल था, लोगों ने सबने हमने प्रयास किया तो बच्चियों का प्लस टू का स्कूल पूरे नगर परिषद में एक ही है, लेकिन उसमें समस्या आ गई बिल्डिंग की, बिल्डिंग नहीं थी, बच्चे ज़्यादा हो गए। तो हमने 2010 में प्रयास किए तो अपने UIT से यहाँ सेक्टर 3 में ये खाली जगह थी थाने के पीछे, माननीय भंवर साहब की डिजायर पे 6000 मीटर जमीन UIT ने हमको बिल्कुल फ्री दिए स्कूल के लिए। उसके बाद 26,71,000 रुपये फर्स्ट में रिक्को ने माननीय दुर्रमिया जी की उस पर 26,71,000 रुपये 4 कमरे और टॉयलेट बनाने के लिए दिए, वो बन के तैयार हो गए। उसके बाद दुर्रमिया जी आए तो UIT ने 4 कमरे का निर्माण और कराया। फिर भी हमने सोचा कि भाई बच्चियाँ ज़्यादा है तो अपन और प्रयास करें। उसके बाद भंवर साहब ने राष्ट्रीय शिक्षा मिशन रमसा के कोटे से 4 कमरे और बनाए, तो टोटल अभी हमारे 12 कमरे इसमें हो गए हैं और 4 दीवारी है, टेल वेल लगवाई है, उस दो टॉयलेट बनाए हैं। तो अब हमारी कोशिश है कि इसी महीने में भाई सरकार की पॉलिसी है कि हमारे एक प्राइमरी स्कूल भी है, तो इस सरकार ने एकीकरण कर दिया स्कूलों का, तो प्राइमरी और ये सेकेंडरी दोनों को मर्ज कर दिया है। तो हमारा प्रयास है PPP मॉडल नहीं है, PPP मॉडल के लिए तो भिवाड़ी मोड़ स्कूल था, ये तो आपस में सरकारी स्कूलों को मर्ज कर दिया है कि भाई दो स्कूल है दोनों को एक जगह इकट्ठा कर दे, ये सरकार की पॉलिसी है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब 6 से 12 का कन्या विद्यालय यहाँ पे शिफ्ट होगा सेक्टर 3 में, तो 1 से 5 का वहाँ गांव में रह जाएगा, तो ये प्रयास किया हमने 5 साल में। पार्षद जी ने बहुत अच्छी सराहनीय पहल की है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। जी क्या नाम है आपका? सर अनिल है नाम। अनिल आप यहीं रहते हो? यहाँ जी। क्या लगता है आपको, आप युवा हैं, युवाओं के साथ कोई, आपको क्या लगता है भिवाड़ी में युवाओं को जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा? नहीं सर, वैसे तो काम तो हो रहा है, काफ़ी हो रहा है। हाँ हो रहा है, मैंने देखा है, वैसे अपने वार्ड में तो देख ही रहा हूँ मैं, जो भी है माननीय अरुण सिंह पार्षद हैं इनसे जो भी ज़रूरतमंद काम हुए सब पूर्ति की है इन्होंने वैसे तो, और जो भी है सड़कें हैं गाँव में घर में, पानी की व्यवस्था भी की है, एक नया ही जल विधायक किया है उसमें किया है। और तो कल हमने बाढ़ में देखा था वहाँ सीवरेज वगैरह नाले वाले अटे पड़े थे उधर की तरफ, अभी से वहाँ पे हाँ तो सर वो सीवरेज का क्या है कि वो हो नहीं पाया, अच्छा। अभी नया ही रोड बना था ना उसकी वजह चक्कर में नहीं गया, गले नहीं ढके। बाढ़ वाले लोग नगर पालिका कमिश्नर के पास नहीं गए? नहीं सर उसे अभी कोई गए नहीं। आप युवा हैं, आपने कभी ऐसी पहल नहीं की? ऐसा सर वो बाढ़ के आपके कितने लोग ऐसे हैं जो घर से बाहर कचरा फेंकते हैं डस्टबिन में नहीं डालते? डस्टबिन में कोई गांव तो है ही लगभग ऐसा ही पूरा, अच्छा। गांव के अंदर तो ऐसा ही होता है सर, वैसे अब कहते हैं तो लोग बाग ऐसा ही है, ज़्यादा नहीं कहते। इसकी पहल करने से बढ़िया यही है। आप उनको बता सकते हैं कि नगर परिषद ने ये कचरा पात्र रखवाया हुआ है, वहाँ पर कचरा डालिए? काफ़ी दूर पड़ जाता है सर, ऐसे दूर पड़ जाता है गांव। कितने डस्टबिन रखे हुए हैं आपके वार्ड में? वार्ड में तो सर सेक्टरों में रखे हुए हैं, वो गांव के अंदर नहीं है ऐसा। अच्छा, इन 2-4 तो होंगे? नहीं सर गांव में तो नहीं है। गांव में नहीं है, अंदर नहीं। तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है? बड़ी समस्या तो सर है ही, पर जगह नहीं मिल पाती वहाँ
रखते कहाँ इतने, तो बहुत सारी जगह वहाँ तो। सर ऐसा है घर पे, घर के सामने कोई नहीं रखने देता, अपनी जगह कोई भी हो, प्लॉट खाली नहीं होते किसी के, तो ये चीज़ होती है गांव में अक्सर ये है। आपके गांव में भीतर जो मेन रास्ता जाता है वही पूरा बंद पड़ा हुआ है? वो बंद ऐसा है जी सर, पानी की वजह से हो जाता है कभी। हाँ, ये तो बहुत गंभीर समस्या है। वो सर गंभीर समस्या ये है कि नाली रुकी हुई है एक विवाद के कारण। अच्छा, ये ऐसा ही होता है जो अक्सर असामाजिक तत्व हो जाते हैं कोई कोई गाँव में कभी, तो उनके कारण ये हो जाता नहीं, और ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप पहल करेंगे इसके ऊपर कि कचरा पत्र रखवाए जाए और इस समस्या का समाधान हो? इससे पार्षद जी से हम नहीं, आप और कहीं जाएंगे जाने की समस्या? नगर परिषद संगठन है और बहुत सारे ऑफिस हेडक्वार्टर्स हैं, नगर परिषद भी बनी हुई है, नगर पहले नगर पालिका थी, नगर पालिका तो सर अभी बनी है 10 साल में। हाँ, तो आप ज़्यादा होना चाहिए विकास, विकास तो होना ही चाहिए, तो है ही, पर ये देखते हैं कि गाँव में तो अक्सर वैसे हो जाता है, गांव में देखते हैं कि बस उसके कारण हो गया, नहीं तो वैसे कभी। जी, इसका कहना है कि गांव में समस्या हैं कई, अभी सुलझी नहीं है, जिन्हें टाइम लगेगा। जी, आपका नाम क्या है? जयराम प्रसाद। जयराम प्रसाद जी, पहले यहां नगर पालिका थी, अब नगर परिषद है, कितना बदलाव हुआ है क्या लगता है? देखो, दिन प्रतिदिन तो विकास का रास्ता खुला हुआ है, और जो पहले की अपेक्षा आज विकसित है, आज की अपेक्षा आगे विकसित होगा, लेकिन आदमी के अनुकूल तो कभी काम पूरा हुआ नहीं है। यहाँ एक चीज हमारे हिसाब से दिक्कत है भिवारी में, यानी बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है। बढ़िया हॉस्पिटल? हाँ। अच्छा, यानी दिल्ली जाना पड़ता है, जयपुर जाना पड़ता है, ये सब के लिए गरीब आदमी के लिए बहुत परेशानी है। और तो नाला हुआ, ये सीवर लाइन हुआ, बिजली हुआ, ये सब तो काम जारी है और प्रगति पे भी है। हॉस्पिटल के लिए कभी पहल की किसी ने? अब देखिए, ये सिलसिला तो अब जारी हुआ है ना, पहला बार आप आए हैं। अच्छा, तो पहल करेंगे? पहल किसे करेंगे, हम टिकट कटा के जाएंगे दिल्ली करने के लिए? जी, हॉस्पिटल नहीं है इनका कहना है, आपने कभी सोचा इसके बारे में? इस बारे में सर वैसे सोचते तो हैं, काफ़ी गंभीरता तो होती है हमें, पर हम ऐसा ही है, संगठन नहीं हो पाता, गांव के लोग भी एकजुट नहीं हो पाते, कुछ ऐसा ही हो जाता। भिवाड़ी की समस्या ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है कि यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन गंभीर जो पेशेंट होते हैं उनको गुड़गांव ही जाना पड़ता है। पार्षद जी से जानेंगे। जी, भिवाड़ी में सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है। नहीं, सरकारी हॉस्पिटल है भिवाड़ी में, मतलब एक अच्छा हॉस्पिटल, लेकिन हाँ हाँ, जो आप कहना चाह रहे हो ESI हॉस्पिटल है जी। अभी 2 साल पहले बन के तैयार हुआ, लेकिन उसमें प्रॉपर सुविधा नहीं, डॉक्टरों की कमी है, वहाँ अपन जाते हैं मरीज तो वहाँ पर्ची बना के प्राइवेट हॉस्पिटलों में भेज देते, जैसा कि रेवाड़ी में है, गुड़गांव में है, दिल्ली में, उस तरह का हमारे यहाँ एक भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, जिससे कि अगर किसी को कोई अचानक प्रॉब्लम हो जाए तो तुरंत नज़दीकी। तो आप इसके लिए कुछ पहल करेंगे? नहीं, बिल्कुल पहल करेंगे, इसके लिए चर्चा होती है कि भाई इतना बड़ा हमारा भिवाड़ी क्षेत्र है, 5-7 लाख लोगों की पॉपुलेशन है। आप अभी तो यहाँ की बात कर रहे थे पिछली सरकार में। हाँ जी, हाँ, दुरुमिया ने स्कूल, एक डिग्री कॉलेज खोलने की बात कही थी। नहीं देखो, डिग्री कॉलेज खोलने की बात हुई थी वो तो तिजारा की बात हुई थी, तो तिजारा तहसील हेडक्वार्टर पे डिग्री कॉलेज चालू है। भिवाड़ी में कॉलेज है, अभी बाबा मोहनराम किसान कॉलेज है, जो हमारे ये रिटायर्ड फौजी हैं, फौजी संघ ने वो चला रखा है, तो भिवाड़ी में तो कॉलेज है। अच्छा, नगर पर पहले नगर पालिका थी, अब नगर परिषद बन गया, यहाँ अब बजट ज़्यादा आता है जी, आपको क्या लगता है कितना बदला है भिवाड़ी? नहीं, भिवाड़ी में देखो, अभी आप पहली बार 2009 में नगर पालिका बनी थी, 2012 में 3 साल बाद ही उसको अपग्रेड करके नगर परिषद बना लिया, जरूरत थी, लेकिन प्रॉपर स्टाफ नया बोर्ड है, नया बोर्ड की वजह से यहाँ बड़ी बड़ी संस्थान है, रिको है, UIT है, ज़्यादातर काम तो उन्हीं के अंडर में, अभी तो प्रॉपर जो ज़मीन थी नगर परिषद की वो ही इन लोगों ने वापस नगर परिषद को नहीं दिए, जो भी बड़ा काम है UIT रिको उनकी तरफ देखते,
पैसे की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रॉपरली उसको, आप कह रहे हैं पैसे की कमी नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी वार्ड के लोगों का कहना है कि सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं, ठेकेदार, आपको लगता है कि ऐसा, ये सच है कि ठेकेदार लापरवाही करते हैं। अभी पीछे हमारे यहाँ भर्ती प्रक्रिया चली थी, बीच में पता नहीं किस कारणवश वो रुक गई है, जब तक बजट भी ज्यादा आता है, नगर परिषद बनेगी, फिर ये दिक्कत कहाँ आ रही है? नहीं, संविदा पर लोगों को रखना चाहिए, नहीं संविदा पे लगना चाहिए, तो ठेकेदारों को जितना ऑर्डर है 50 लेवर का है, किसी का 60 लेवर का, प्रॉपर लेवर आती नहीं है। प्रॉपर लेवर आएगी तो साफ सफाई भी होगी क्षेत्र की, लेकिन जब तक बोर्ड अपनी भर्ती नहीं करेगा, अभी ये बीजेपी सरकार है, ये सरकार को देखना है कि यहाँ आपने 3 साल पहले लोगों को फार्म भरा लिए, उनका इंटरव्यू हो गया, तो उनको भर्ती करना चाहिए सरकार को, जब ये समस्या दूर होगी, जब अपने कर्मचारी होंगे। ठेके की व्यवस्था से कभी आप साफ सुथरा भिवाड़ी नहीं देख पाएंगे। आपको क्या लगता है कि सरकार बदल गई, तो सरकार बदल गई, जितने भी पार्षद हैं यहाँ के, कुछ कांग्रेस से हैं, कुछ बीजेपी से, उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये चीज़ तो हमने पिछली बार बोर्ड में देखी, ये चीज़ नहीं है। अब पार्षद खुद ही नहीं जाएगा किसी काम के लिए, तो घर बैठे तो किसी का काम होने वाला नहीं है। अब आप देखो, हमने अपने वार्ड के लिए स्पेशल पावर हाउस बनवा रखा है पार्षद नाथ के पीछे, हमारे वार्ड की लाइट कभी नहीं जाती, 24 घंटा लाइट रहती। और क्या क्या बनवाया? पानी की समस्या थी, पानी के लिए हमने 3 ट्यूबवेल लगवाए पूरे वार्ड में, आप पता कर लो, बढ़िया शुद्ध पानी जहाँ जहाँ भी सप्लाई जा रही है अच्छा आ रहा है। उसके बाद भिवाड़ी गाँव की चौपाल है, चौपाल बनवाई 16.5 लाख रुपए की लागत से, बहुत बढ़िया चौपाल बनी है, जिन रस्तों में विवाद नहीं था वो सारे रस्ते हमने क्लियर कराए। अभी जहाँ स्कूल प्रॉपर चल रहा है वहाँ पे 4 कमरे बनवाए, बच्चियों के लिए एक कवर्ड टॉयलेट बनवाया है, तो काम की तो कोई कमी नहीं। टॉयलेट बने आपके बोर्ड में? नहीं, अभी वो तो स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, अभी जो ये चल रहा है जो रोड पे अपने ये सुलभ शौचालय वाला है, तो ये दो सबसे पहले शुरुआत हमारे वार्ड से हुई थी, तो अभी प्रॉपर 2 ही बने हैं, टोटल 22-25 थे, तो अभी और आगे स्कीम आएगी तो और बनेंगे। और नगर परिषद ने जो वो लोगों को जिनके घरों में टॉयलेट नहीं है उसके लिए, हमारे यहाँ से लगभग 15-16 लोग थे जिनके पास नहीं था, तो उनका हमने फार्म भरा दिया, उनका पैसा भी सैंक्शन हो गया। आप जिम्मेदार नागरिक हैं रेवाड़ी के, रेवाड़ी में एक आम समस्या है जो हर रोज घंटों जाम लगा रहता है, क्या आपको नहीं लगता कि सारे पार्षदों को आवाज़ उठानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल समय समय पे आवाज़ उठाई है हमने, तो अभी पिछले ही हफ्ते हम UIT में बोल के आए, नगर परिषद में भी ये बातें हुई है, प्रशासन से भी ये बातें हुई है कि भिवाड़ी मोड़ पे जो सर्किल बनना है, भाई लोगों को आप जो उनसे कंप्रोमाइज़ हुआ है कि उनकी दुकानें यहाँ से हटा के आपको अलग से दुकान दे रहे हैं, उनको दुकान अलॉट करी जाए और वहाँ जल्दी से जल्दी उसको तोड़ कर सर्किल बनाया जाए, ये तो जाम की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। भाई इतना बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग यहाँ से शाम को वापस जाते हैं, तो समस्या तो है। पिछले 2015 में सीवर नाला और बाढ़ में तमाम समस्याएं रहीं, इस बार भी बनी हुई हैं, अभी हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि काम हुए हैं, अच्छा बात है आपने काम कराए, लेकिन क्या लगता है 2016 में जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी? नहीं, बिल्कुल प्रयास है कि समस्या रहनी नहीं चाहिए। नहीं, मेन चीज गंदगी है। देखो, गंदगी के लिए पूरा प्रयास है, बोर्ड में बात करेंगे भाई जल्दी से जल्दी सफाई कर्मचारियों की भर्ती हो और इस समस्या से निजात मिले कि भाई अपन को कहड़ा मिल रहा है बार बार कि वहाँ गंदगी है, वहाँ गंदगी है। भिवाड़ी गुड़गांव से अच्छा शहर बनने वाला है, आपको पता है यहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ इतनी, तो नहीं देखो हकीकत है वो कुछ यहाँ शर्मनाक तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात वाजिब है, इंडस्ट्री एरिया आया है तो कुछ परेशानी भी है प्रॉपर। अब आप देखो कितना पॉल्यूशन हो रहा है भिवाड़ी में, अब कह ही रहे हैं दिल्ली में हल्ला हो रहा है कि पॉल्यूशन है, दिल्ली के बराबर पॉल्यूशन हमारे यहाँ भिवाड़ी में है। एक जो ये पानी की समस्या है, गंदे पानी की, जो इंडस्ट्री एरिया से जो गंदा पानी निकल रहा है उसकी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, और जितनी भी कंपनियों की चिमनी नीचे है उनकी चिमनी ऊपर कराई जाए, धुआं ना करें, गंदी चीज़ ना जला के अपन कोयले का या लकड़ी का इस्तेमाल करें,
तो ये चीजें अभी सोचनी है, इसके ऊपर बहुत काम करना है। अभी भिवाड़ी में बहुत कुछ होना है, जैसा कि आप जानते हैं भिवाड़ी विश्व के मानचित्र पर है, यहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ हैं, तमाम ऐसी समस्याएं बनी हुई हैं। सबसे मुख्य जो समस्या है वो यहाँ गंदगी की है। तो हमारी यही उम्मीद है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यहाँ के जो पार्षद हैं वार्ड नंबर 33 के, उन्होंने कहा है कि वो आवाज़ उठाएंगे और उनके वार्ड में जो बची बची समस्या हैं उनको भी जल्द समाधान होगा। इसी के साथ आज खबरें 24 की टीम लेगी विदा। नमस्कार। सफाई नहीं होने देता। अब ये राजनीति अपनी सफाई के ऊपर दिखा रहे हैं। एक हुक्का रखा है सामने, ये हुक्का पांच जो पंच बैठे हैं उनके बीच में होता है, इसमें बातें होती हैं और हर चीज की हर तरह की इसमें बातें होती हैं। आप शमशी साहब है ना जी? लग रहा है भिवाड़ी दूर से कितना अच्छा लगता है और अंदर की हालात आप देख रहे हैं, गंदगी भरी रहती है। तरक्की भिवाड़ी की केवल नाम के तौर पे हो रही है और महिलाओं के लिए तो कोई व्यवस्था है ही नहीं। खुद जागरूक होंगे तभी सफाई हो पाएगी। मेन चीज तो है कि हम कोऑपरेट करें तब न बात बने।